नमस्कार, मैं सलोनी पांचाल और आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देवास में विकास नगर चौराहे से उठाकर ले गए पुलिसकर्मी को और विजयनगर के एक मकान में बंधक बनाकर मारपीट, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में उपचारत। शहर में बदमाशों का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब वह पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बीती रात को विकास नगर चौराहे पर अपनी ड्यूटी दे रहे औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मी के साथ कुछ बदमाशों ने जमकर मारपीट की। यही नहीं, बदमाश पुलिसकर्मी को अपहरण करके अपने वाहन में शहर के विजयनगर ले गए, जहां बंद कमरे में पुलिसकर्मी के साथ जमकर मारपीट की हुई, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने फरियादी पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। औद्योगिक पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार विकास नगर चौराहे पर विकास पिता देवकरण उम्र 29 वर्ष सोमवार रात 9:30 बजे अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। एक चार पहिया वाहन मौके से गुजरा तो विकास ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान उसमें से कुछ बदमाश विकास नगर चौराहे पर उतरे और विकास को अपने साथ गाड़ी में जबरन बैठा लिया और शहर के विजयनगर क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ बंद कमरे में जमकर मारपीट की। विकास ने उन्हें कई बार बोला ऐसा मत करो, लेकिन बदमाशों ने उसकी एक नहीं सुनी और विकास को मारते हुए गंभीर घायल कर दिया। मामले में फिलहाल विकास का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत स्थिर बनी हुई है। उक्त मामले में थाना औद्योगिक पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर राहुल व उसके कुछ अन्य साथी सभी निवासी देवास पर शासकीय कार्य में बाधा, जान से मारने की नियत से अपहरण करने की धारा 364, 353, 332, 342, 323, 294, 506, 34 में प्रकरण दर्ज कर लिया है। किसी की सूचना मिली थी आपको? अच्छा, रात की बात है। अच्छी, कौन से थाने में थे? आपको लगते हैं इनके? बड़ा भाई। क्या नाम है आपका? संदीप पटेल। किस नाम भाई साहब का? विकास पटेल। किसने मारा था? थोड़ा सा कुछ जानकारी नहीं मिली मुझे। ठीक सर, ठीक सर।